नाश्ते से फारिग हो गए और दोपहर के खाने में बन रही है दाल। एक छोटा सा प्याज मैं अब ऑयल में डाल दिया। मूंग मसूर की दाल बनेगी, ये देखें छान लिया मैंने अच्छे तरीके से और साफ कर लिया। तो अब जी दाल बन रही है दोपहर में। इसके अलावा चिकन का शोरबा बनाया मैंने, उसकी रेसिपी कई दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ। और क्या है साथ में, साथ में बस दाल है, चिकन का शोरबा है। और क्योंकि बच्चे का जिसने दाल नहीं खानी तो वो शोरबा खा लेगा। बस दो चीज़ें, जैसे मेरा कभी नहीं दिल होता जैसे राशिद है, वो चिकन का शोरबा शौक़ से नहीं खाते, वो कहेंगे बस कोई दाल बना लो या सब्ज़ी। सब्ज़ी भी मेरा दिल नहीं था, मैंने कहा चलो दाल बना लेते हैं, काफ़ी दिनों से दाल बनी नहीं है। तो जी मूंग मसूर की दाल, प्याज गोल्डन हो गया, साथ में उसमें अब टमाटर डाल दूँगी और स्पाइसेस के साथ ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसको बनाएगा को खास रूल तो है नहीं कोई चीज़ का। तो दाल ही बन रही है, ये सॉल्ट डालूंगी हिसाब से, लाल मिर्ची डाली मैंने इसमें, थोड़ी सी हल्दी डाली और जिसमें जाएगा सूखा धनिया, बस ये स्पाइसी का थोड़ा मैं जीरा ऐड करूंगी। कभी सब इसको बनाऊंगी, बनाई हो जाएगी इसके आहिस्ता आहिस्ता, तो इसमें दाल डाल दूंगी, पहले पानी डालूंगी ताकि दाल जो गलने का ना वो रहे ना, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि ये जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ज़ीरा भी मैं हाथ से मसल के इसमें डाल रही हूँ, हाथ से मसल सुनने से ना इसकी खुशबू बहुत शानदार आती है। अब थोड़ा सा ये हो और सूखा धनिया हो, इनको आप हाथों से मसल के डालें ना तो अलग मज़ेदार जायका आता है। बस ये अब इसमें मैं मसाला ऑलमोस्ट बन चुका है, इसमें मैं पानी डालूँगी थोड़ा सा भून के और फिर दाल डालूँगी, ताकि अगर ठंडे पानी में दाल डाल तो हो सकता ना गले। दाल की बल्कि बड़ी साइंस हो गई है, बड़ा ना मुश्किल हो गया है चीज़ें कुछ कैरी करना, अचानक दाल ऐसी ख़राब सी आएगी कि पता ही नहीं चलता कि ये लगेगी फ्रेश है लेकिन वो पता नहीं वो कैसी होती है, क्यों गलती नहीं है। तो लिहाजा कोशिश करें अपनी तरफ से गुंजाइश ना छोड़ें। अब मैं पानी डालूंगी इसमें, उसके बाद फिर मैं दाल डालूंगी। पानी मैंने डाल दिया है और मूंग मसूर की दाल में पानी ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि ये दाल ज़्यादा नहीं फूलती, तो बस इसमें हिसाब से पानी डालते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं ताकि जिसमें दाल बस गल जाए। ये ज़्यादा दालें नहीं फूलती, बाकी जैसे माश की दाल भी थोड़ी सी फूल जाती है, चने की दाल बहुत ज़्यादा फूलती है, तो वो उसमें ज़रा पानी ज़्यादा ही डालते हैं। चने उबाला आता है तो मैं इसमें फिर दाल भी डालती हूँ। जो पानी उबल गया अब इसमें दाल भी डाल दूँगी। दाल मूंग मसूर की दाल में मैंने तब से शुरू से एक ही रेशो देखी है कि मसूर की दाल ज़रा ज़्यादा होती है और मूँग की ज़रा कम होती है, क्योंकि मूँग की दाल नस्बता ज़रा मीठी होती है मसूर की। तो जो मूँग की दाल है नस्बता कम रखी जाती है मसूर की नस्बत, जो अम्मी बनाती थी और मैं भी इसी रेशो में बनाती हूँ कि थोड़ी सी जो मूंग की दाल थोड़ी निस्बतन में वो होती है मीठी होती है, तो वो जो मसूर की दाल थोड़ी सी स्पाइसी वाली होती है। मतलब एक इसका अपना एक अरोमा होता है शायद, या क्या चीज़ है, बेसिक जो एक नेचर होती है चीज़ की। तो मूंग की दाल की तरह नेचर वो मीठी है, दूसरी मसूर वाली थोड़ी सी स्पाइसी है। तो बस जब इसको कुकर लगाऊंगी, पाँच मिनट हार्डली लगेंगे और ये दोनों दालें गल जाएंगी। आज दाल जी रोटी के साथ बनेगी और चावल नहीं बनेंगे। चावल भी अभी पुलाव मुझे लगता है फ्रिज में पड़ा हुआ है, वो भी नहीं ख़त्म हुआ, इतने ज़्यादा चावल बनते हैं। तो आज बस दाल के साथ ही रोटी या पराठा जिसने खाना हुआ है उसके साथ बन जाएगा। दाल का कुकर मैंने खोल लिया है और ये देखें दाल रेडी होगी। पाँच मिनट दिए बस मैंने, उसके बाद मैंने स्टीम पर पड़ी रहने दी। तो अब जी मेरा दिल चाह रहा है थोड़ी सी, मैं ना आज दिल चाह रहा है मेरा कि काली मिर्चें इसमें डालूँ, तो थोड़ी सी मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्चें डाली हैं और हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल दी है काट के। तो बस अब हल्का सा इसको जीरे का और गोल मिर्च का तड़का लगाऊंगी और दाल बिल्कुल रेडी है, देखें इतनी जल्दी रेडी हो गई है। तो उसके बाद ही राशिद कहने लगे तुम तड़का रहने दो, मैं मक्खन डाल के खाऊंगा। मैंने कहा चले ठीक, चले जी आप भी आइए, मैं फारिग हो चुकी हूँ और अब इलेक्शन जो सेंटर्स हैं वहाँ चलते हैं और वोट कास्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जी वोट डालने जा रही हूँ, मैं और असलम के साथ जाऊँगी। तो अब आपसे जी रास्ते में तो मुलाकात शायद कम ही हो, क्योंकि रश हुआ तो ज़रूर दिखाऊंगी, अदरवाइज़ फिर मैं आपको वहाँ जाके अगर वीडियो बन सकी इजाज़त मिली तो मैं करूँगी जी इंशाल्लाह। वोट फॉर इमरान खान। धूप नहीं कितनी सख्त निकली हुई है, जैसे सारी धूप आज ही निकल आनी है। क्या चाहिए बस इसमें से देख लो, और सारी सोसाइटी खाली, मुझे लगता है लोग या तो गांव में चले गए हैं वोट देने के लिए, अक्सरियत जो यहाँ रहते हैं वो गांवों से बिलोंग करते हैं, वो वोट देने चले गए हैं, और नहीं तो बस लोग घरों से निकले वोट देने के लिए। अब
अभी राशन वोट दे के आ गए और इंशाल्लाह ताला मैं जा रही हूँ। मेरी बेटी बता रही है, बताएं किसको वोट डाल रही है। तो जी मैं इमरान खान को वोट डाल रही हूँ, मैंने कोई छुपा के वोट डाला था इमरान खान को असलम। मगर आपने किसको डालना है? शेख वकास को। मैं भी शेख वकास को डालने जा रही हूँ अंकल। अंकल भी पीटीआई के हैं। ये देखो कितनी गहमा गहमी है और ये इसका पोलिंग बहुत बना होगा ना, तो यहाँ लोग पर्चियाँ बना रहे हैं बाहर। खैर हमारे तो पर्चियाँ नहीं बनी, अब मैं वहीं जाके बनवाऊंगी क्योंकि हमारी सोसाइटी में इधर ऐसा कोई सीन ही नहीं हुआ। नहीं तो पहले लोग घरों में दे जाते थे। अभी भी राशिद का भतीजा जंग सिटी से आया तो यही बता रहा है कि उनके घरों में पर्चियाँ दे गए हैं, तो हमारा तो ऐसा कोई सीन ही नहीं हुआ। तो पर आप जाएंगे इंशाल्लाह पर्चियाँ भी बनवाते हैं और आपको इलेक्शन की गहमा गहमी भी अगर मैं दिखा सकी तो ज़रूर दिखाऊंगी। ये मेरी बेटी से रौनक देखने जा रही है। ये देखें इधर भी इलेक्शन का, मुझे लगता है यहाँ कोई बना है ना स्टेशन बना, कोई भीख कहाँ मांग रहे हैं मामा। वो कन्विंस करते हैं कि आप उसको वोट करें। आजकल लोग इतने खुश अखलाक हुए, स्पेशली जिन लोगों का सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक है वो तो बहुत खुश अखलाक हुए हुए हैं। देखो रश कितना हुआ, ये देखें आज रात के बाद किसी ने नज़र भी नहीं आना वोट लेने के बाद। तो शेख वकास को भी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पीटीआई का है। और ये मेरी बेटी सिर्फ रौनक देखने जा रही है। ये देखिए कितना रश है। चलिए जी आप भी मेरे साथ इलेक्शन की रौनकें देखें। वैसे तो देख चुके होंगे काफ़ी लोग, जो लोग वोट कास्ट करके आ चुके होंगे या जो लोग लड़के बच्चे बच्चियाँ बाहर फिर रहे होंगे। ये गवर्नमेंट कॉलेज झांग है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है ना, यहाँ भी रश कितना हुआ हुआ इधर भी। ये पूरी आर्मी रेंजर्स पुलिस सब तरफ फैली हुई है और ये स्कूल है झंग का। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि यहाँ पुलिंग बूथ बना होगा ना, स्टेशन बन गया है, तो यहाँ भी देखिए कितना रश है। ये देखें हमारा ज़रा अंदरूनी शहर की तरफ है जो मेरा बना है और बाकी कितना रश और गहमा गहमी है अभी भी। ये देखें ये देखें लोगों ने स्टिक भी पकड़ी हुई है। यहाँ तो हंगामे भी शुरू हो जाते हैं। वैसे मुझे इन सिचुएशन से बड़ा डर लगता है और बचपन में तो बहुत ही पुलिस वगैरह से डर लगता था, लेकिन अब ये है कि चले हमारे घर की पुलिस है मेरे देव पुलिस में, तो लिहाजा भी नहीं फील होती चीज़ें, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा फील होती थी, डर लगता था पुलिस और रेंजर्स को देख के। पूरी मार्केट बंद है, आज पब्लिक हॉलीडे है और वैसे भी अनसर्टन कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसके लिए बेहतर यही होते हैं जो पाकिस्तानी आवाम जज्बात से भरपूर है ना, वो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट कर लेती है। तो ऐवे नुकसान तो हर बेचारे गरीब का ही बनता है, गाड़ियाँ जो रोड पे खड़ी होती हैं उनको नुकसान पहुँचा देते हैं। वैसे ये बड़ा ही अलमी है हमारी कौम का, वैसे अच्छी कौम है लेकिन इस हिसाब से बड़ी हम समझ लें कि बुरी कौम है। इनको इस किस्म के अखलाकियात नहीं है जो लोगों का नुकसान करते हैं। तो ये अच्छी बात है, वैसे सारी मार्केट बंद है और आम तातील है आज, लोग वोट भी कास्ट कर रहे हैं। ये देखिए इधर भी कुछ क्या है, यहाँ पे इमरान खान के सपोर्टर हैं इधर भी, और ऐसे लग रहा है जैसे ना कोई ईद है। ये वो एरिया जहाँ पहले रहा करते हैं असलम अंकल, वो जल फैसल स्कूल नहीं है? नहीं नहीं इससे आगे आगे वाली रोड है, वो जो फारूक आजम रोड है, जो नई रोड नहीं बनी उधर जाना है। ये देखें इतनी साफ सुथरी गली में वोट डालने जा रही हूँ सिर्फ इमरान खान की खातिर, कोई हो अखीर ही कर देते हैं, पता नहीं क्या है लोग सफाई तरफ ख्याल ही नहीं करते। चले जी मैं वोट डालने जा रही हूँ तो देखते हैं फिर वहाँ मिलते हैं। हो गया ये इधर करते भाई ने, थैंक यू यार सो मच। ये यार क्या कर रहा क्या इधर दे यार। बोलो बोलो 232 232। साइमा जी इनका बड़ा वाला का खाना साइमा की पहले पर रवीना नहीं किधर इधर जाने इधर खड़े हो जाना साइमा साइमा। ओके ओके यस हमदान ओपन हो रहा है हमदान आगे
ये रहा ढूंढना, हम सबके ही हैं। ठहरे 232 कार्ड की तरह ये रहा। अंगूठा लगा मुइजा तो है ही नहीं, ब्रीडा लगा भी है, मेरा में भी घर नजर नहीं आ रहा किधर है। ये ले इधर भी लगा, रीमा भाभी भी लगा रही है। हाँ रीमा तो आ गई थी, इस पर नहीं दाएं पे राय पे वोट कास्ट करने लगी हूँ। और कहाँ है हमारा जिस गोरे नायाब जिसको मैंने डालना है वोट। चले जी बस ये वोट डाल के मैं वापस जा रही हूँ। और ये देखें 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 वोट डाल के इसको वोट दे दी स्त्री को। स्त्री कौन सी है ये वैसे स्त्री का निशान डाला हुआ है। नहीं वो जिन्होंने मेरा ये बनाया था ना ये पर्ची वो स्त्री होंगे। मैं वोट डाल के वापस जा रही हूँ और होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह ताला इमरान खान नहीं जीते, जीतना वैसे इमरान खान नहीं है लेकिन मुझे लगता है धांधली हो जानी है और किसी और को जितवा देंगे। इतना रश था और इतने सब वहाँ मेरे पुराने मोहल्लेदार भी मिले और स्कूल की मसरत भी मिली थी वहाँ वो खाला करने जा रही है हमारी पुरानी मेड पुराना मोहल्ला जी हमारा ये वाला वो बड़ी पुरानी यादें हैं यहाँ से वाबस्ता। तो आज सारे पुराने मोहल्लेदार मुझे मिले बड़ा अच्छा लगा। और ये देखें जी लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। मैं तो ला रहा हूँ फेस्टिवल है ना वैसे इलेक्शन में फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेशन होती है उसकी भी। और काफ़ी लोग मिले बड़ा अच्छा लगा मिलके उनसे। ये बेटा दे दो ये खा लेगी ना अभी ला दें। ये जी अंजेल ने सोचा कि वोट तो डाल नहीं सकती तो आइसक्रीम का मजा लिया जाए तो ये जी हम यहाँ आए स्वीट क्रीम पे। चलो ये ले कुमैल आपने मिस किया, हम कुमैल को लेने गए उसके ताए के घर से कुमैल आया ही नहीं उसके पहले ही मना कर दिया तो कुमैल हमने अब आइसक्रीम मिस करनी और कुमैल ने बहुत तबीयत खराब हो जानी है उसकी जब उसने देखा कि अंजेल खा रही है। तो जी ये खाएगी अंजेल इलेक्शन वाले दिन लोटस चीज केक जबरदस्त लोग आ रहे हैं खाने के लिए। अंजेल मैं वीडियो बना रही हूँ देखे लोग वो वोट कास्ट करने के बाद लोग आइसक्रीम खाने आए हैं हर तरफ। ये देखो सब दुकानें बंद हैं दिखाओ मुझे कब छोटा होगा मुझे लग रहा पहले से पहले तो बड़ा था खा के देखो बहुत मजा है। ये ले भाई कप एक और ला देते हैं एक चम्मच और ला देते हैं आप नो चम्मच ला दो नो अजिल कैसा लगा आपको ठीक है बस ठीक है ऑनेस्ट रिव्यूज हां ठीक है इसके बस यही ऊपर नीचे कुछ यही होता है इसमें केक शेक नहीं नीचे कुछ भी नहीं है बस ऐसे ही है मजे का। कुमैल के आने से पहले खा लो बस अब तकरीबन टाइम खत्म हो रहा है। ये देखिए बोर्ड डालने का रश हर कोई जल्दी में है अभी असलम अंकल ने भी जाकर डालना है असलम अंकल ने भी पीटीआई को वोट डालना है। हर शहर का अपना अपना रश होता होगा एक माजी जंग शहर का रश है जो आप भी देखें कि आज हमारा जंग शहर कैसा लग रहा है। हम लोग डाल के आ गए इंशाल्लाह ताला इमरान खान की जीत होगी अल्लाह उसके हक में बेहतरीन फरमाए और अल्लाह उसको कैसे निजात दिलाए आमीन। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जंग का और इससे आगे का और जिम है बॉयज़ और जेंट्स दोनों का ही है और इसी रोड पे आगे जाएंगे तो जंग बीकन हाउस है जो अंजेल का पुराना स्कूल है। और ये किसको ये कौन सा चर्ची ग्राउंड है ये चर्ची ग्राउंड है। मौसम खुल गया तो अच्छा लग रहा है सब कुछ अभी तो हवा हल्की हल्की जा रही है धूप तेज़ है
लेकिन हवा हल्की हल्की सी है तो अच्छा लग रहा है साथ धूप को, अदरवाइज ये जो कॉम्बिनेशन हल्की सी हवा धूप का अच्छा है, नहीं तो धूप काफ़ी सख्त निकली हुई है। ये जी इमरान खान का शेख वकास, इसमें एम्बुलेंस की खैर हो पता नहीं, अल्लाह रहम करे। चले जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। हमें वोट डालना है, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद और पीटीआई के सपोर्टर्स जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अल्लाह ताला जो भी करे हुक्मरान अच्छा हो, जो मुल्क की खिदमत भी करे और लोगों को इतने ज़्यादा मसाइल से निकाल दे। बहुत मसाइल में जब आवाम घिरी हुई है और बहुत बुरे हालात हैं, अल्लाह सब पे रहम करे और अल्लाह ताला ही सहब रहम करने वाला है सब पे। तो सब दुआ कर रहे हैं अल्लाह सब पे रहम करे। तो जी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला किसी और ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।